हा, बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है, मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ, कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है, जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे, अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है, हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। एक गांव में पीलू चिड़िया अपने पति हरिया के साथ रहती थी। उनके दो बच्चे थे। हरिया के पास केले का बगान था, वो केले उगाता और उन्हें बेचता था। इस तरह से उसमें से जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। बहुत सालों बाद इस बार हरिया के खेत में केले की बहुत अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर पीलू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है, इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना एक पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे।
इस बार हम अपने सभी सपने पूरा करेंगे। इस पर हरिया कहता है, हाँ पीलू, इस बार भगवान को लगता है हमारी गरीबी देखकर दया आ गई, क्योंकि इस बार हमारे अलावा किसी की भी केले की अच्छी फसल नहीं हुई है। अब मैं ये फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया जब केले की फसल शहर में बेचने के लिए जाने लगता है, तब उसकी बेटी कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आओगे? अरे बेटा तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। पापा आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। अच्छा अच्छा ठीक है। उसका बेटा कहता है, पापा आप मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लेके आना। पीलू कहती है, ठीक है बच्चों, अब तुम अपने पापा को जाने दो। फिर हरिया अपनी फसल को शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में बहुत सारे पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए वहाँ पर आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत ही कम मिल रही थी। वो सोचता है, अरे ये क्या, शहर की मंडी में तो केले की कीमत और भी कम है, इतने में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी, यहाँ पर तो खाद पानी और मजदूरी का भी पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह हरिया बिना अपनी फसल बेचे वापस घर की तरफ लौट जाता है। पीलू ये देखकर अपने पति से कहती है, अरे ये क्या जी, आप तो बिना फसल बेचे ही वापस आ गए। फिर हरिया पूरी बात पीलू को अच्छे से बताता है। हरिया की बात सुनकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान अब हमारा गुजारा कैसे होगा, एक काम करती हूँ इन केलों को मैं अलग से रख देती हूँ और हम अब बस अपना गुजारा केला खाकर ही किया करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केला खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन पीलू अपने बच्चों को केला देती है। पीलू के बच्चे केले को देखकर कहते हैं, मम्मी ये केला हम रोज रोज क्यों खा रहे हैं, मुझे तो आज आपके हाथ की बनी हुई केले की चिप्स ही खानी है, वरना मैं तो आज भूखा ही रह जाऊंगा। पीलू, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए केले की चिप्स बनाती हूँ। ये कहकर पीलू किचन में चली जाती है। फिर पीलू मेहनत से केले के चिप्स तैयार करती है। पीलू, आओ बच्चों तुम्हारे केले के चिप्स तैयार हैं। फिर बच्चे केला चिप्स खाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। माँ माँ आज के केले के चिप्स तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी हैं। फिर पीलू भी उन चिप्स को खा के देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले के इतने स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। फिर हरिया भी उन केले के चिप्स को खाकर देखता है। हरिया पीलू से कहता है, वाह पीलू ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने तो पहले कभी केले के चिप्स खाए भी नहीं थे, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और खाता जाऊँ। क्यों ना तुम कल से केले के चिप्स बनाने लगो, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आया करूँगा। वैसे भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा केले रखे हुए हैं। और अगले दिन से पीलू चिड़िया घर में केले के चिप्स बनाने लगती हैं। हरिया उन्हें पैक करके बाजार में ठेला लगाकर बेचने लगता है और उसके ठेले में बहुत से लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग केले के चिप्स की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से उनका काम धंधा चल निकलता है। पीलू हरिया से कहती है, सुनिए जी हमें केले के चिप्स बनाकर बहुत फायदा हुआ है, ये केले की फसल हमारे लिए बहुत अच्छी हुई, अब हर साल हम सिर्फ केला ही उगाया करेंगे। हाँ हाँ पीलू, अब हमें केले की फसल को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, अब हमें चिंता भी नहीं रहेगी कि केले की फसल बिकी की नहीं। ये लो कुछ पैसे, अब बच्चों का हम अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। पीलू के हाथ के बने चिप्स बहुत प्रसिद्ध हो गए। फिर ये परिवार हंसी खुशी रहने लगा। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी। बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है।
है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती, और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना, कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी। अरे कहां बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा, इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देख कर कालू कौआ मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था, वो बबलू की दुकान के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊँ, मेरी सारी सब्जियाँ बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें? तरबूज को पानी चाहिए होता है, हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है, और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उगाते हैं, और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है, और ये लीजिए जी पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए, देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।